आज हम लोग एक्सट्रूसिव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रूसिव फॉर्म मीन्स इग्नियस रॉक के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। सो इंट्रूसिव फॉर्म तो अपन ने पढ़ लिया है, यू कैन सी इन प्रीवियस वीडियो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रूसिव फॉर्म, कि एक्सट्रूसिव फॉर्म क्या होते हैं। सो द फॉर्म विच इज मेड बाय लावा। ओके, जो लावा मीन्स एक्सट्रूसिव फॉर्म वो होता है जो सरफेस के बाहर आके बनते हैं, और सरफेस के बाहर क्या आता है, लावा। तो जो वो फॉर्म जो लावा से बनते हैं वो अपन एक्सट्रूसिव फॉर्म कह सकते हैं, और जो मैग्मा से बनते हैं उनको इंट्रूसिव फॉर्म कहेंगे। सो वन इज जो लावा से बनते हैं, डेट इज लावा फ्लो। ओके ना, लावा फ्लो। सो इट इज़ द वन बेसिक एंड बेसिक फॉर्म, वी कैन से दैट। सो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेयर्स ऑफ लावा फ्लो, identification of layers of lava flow. So here are some points that how to identify, कैसे अपन इनको पहचान सकते हैं, identify कर सकते हैं lava flow की layers। तो पहले first point is color and mineral composition से अपन पता कर सकते हैं lava flow की layers, उसके कलर से और उसके मिनरल कंपोजिशन से। सेकंड इज टेक्सचर, मींस जो उसमें जो ग्रेन्स होंगे ना उनकी साइज शेप को स्टडी करके अपन लोग पता कर सकते हैं उसकी लेयर लावा फ्लो की। थर्ड इज टाइप ऑफ वेदरिंग, फोर्थ इज सॉइल टाइप। बाय ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन आइडेंटिफाई द लेयर्स ऑफ लावा, ओके, लावा फ्लो। And fifth one is presence of vesicles. Okay, so these vesicles, it is called pores, the pores which are found in rocks. So there are two rocks, that first one is new rock and another is old rock. Vesicles are present in old rocks. Okay, so the rock which contain vesicles, that is old rock, and the rock which don't contain vesicles, that is new rock। मतलब वो rock जिसमें जो pores हैं, जो गड्ढे हैं वो present हैं, तो उसको अपन old rock की category में लाएंगे, और जिसमें pores या गड्ढे नहीं हैं उसको अपन लोग new rock की category में लाएंगे। So this was all about intrusive form, वो form जो कि सरफेस पे बनते हैं, सरफेस पर और सरफेस पर, उसको अपन एक्सट्रूसिव फॉर्म बोलते हैं जो कि लावा फ्लो से बनते हैं। एंड लावा फ्लो को अपन इस वे में इन फाइव पॉइंट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक, इट्स इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।